हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स जेनिक्स इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सोलिनॉइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलिनॉइड सो बेसिकली व्हाट इज़ अ सोलिनॉयड अ सोलिनॉइड मींस एन इंसुलेटिंग कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स जब भी एक लंबी सी वायर ले लीजिए आप स्टूडेंट्स कॉपर की और उसको इस तरीके से किसी भी इंसुलेटेड वुड पे या किसी भी चीज पर अगर आप लोग वाउंड कर दें यानी कि लपेट दें बहुत पास पास में इस तरीके से एक के बाद एक एक के बाद एक तो वो आप लोगों का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स एक सोलिनॉइड जस्ट ओके तो यही हेलिक्स फॉर्म में जो भी होगा जिसको आप लोग बाउंड कर देंगे कॉपर इंसुलेटेड कॉपर को तो वो आप लोगों का क्या बन जाएगा सोलिनॉइड सिंपल अगर अब इस चीज़ को इस पिक्चर को हम थोड़ा सा ब्रॉड करके देखें तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा लेट से मैंने क्या किया करंट आई पास कराया थ्रू दिस वायर ओके मैंने करंट आई पास कराया थ्रू दिस वायर तो इसमें देखिए जो करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स अगर मैं मान रही हूँ इसको ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है करंट की जो डायरेक्शन है तो ऊपर वाले पॉइंट्स पर यानी कि जहाँ पर हमारे डॉट डॉट डॉट्स हैं जो डॉट शो हो रही हैं वहाँ से हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है क्या है आउटवर्ड जो डॉट शो हो रही है डॉट जहां से शो हो रही है वहां पर बाहर की तरफ आ रहा है करंट और जहां से हम, हमें क्रॉस शो हो रहा है वहां पर inward जा रहा है, वहाँ पर जो करंट है वो कैसा जा रहा है इनवर्ड ओके okay? जहां पर हमारा क्रॉस है वहां करंट अंदर की तरफ जा रहा है ये डायरेक्शन ही करंट की बाहर यहां से आ रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है फिर वापस से मुड़ के मुड़ेगा ऐसे वायर पर जाएगा फिर वापस से इधर की तरफ से बाहर की तरफ आएगा और अंदर की तरफ जाएगा फिर वापस से तो ये मैं एक साइड दिखा रही हूँ पीछे वाली साइड हम लोगों ने कवर कर ली ठीक है तो इसी तरीके से तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ इस केस में हम लोगों को ये पता करना है कि अगर एक सॉलिडॉइड अगर हम लोगों ने बना लिया और उसके अंदर करंट पास करा दिया तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट्स पे किस तरीके से बनेगी ओके एक्सटीरियर पॉइंट पे बनेगी या नहीं या फिर इंटीरियर पॉइंट पे ही बनेगी तो देखिए जहां से स्टूडेंट्स हम लोग दो पॉइंट्स देख रहे हैं एक पॉइंट हम लोग देखेंगे एक्सटीरियर वाला मान लीजिए क्यू एक क्यू डैश और एक इंटरनल पॉइंट ले लिया हम लोगों ने इसका पी ये इंटरनल पॉइंट है तो अब हम लोग देखते हैं हर पॉइंट पर कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फिर हम उसे सम अप करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगी फिर कहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होगी और कहाँ समडोवर होगी ओके okay, तो ये देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं एक पॉइंट बात कर रही हूं ए पॉइंट की और ये मेरे ये पॉइंट हो गया मेरा बी ओके okay? तो ए पॉइंट पर देखिए यानी कि इस पॉइंट पर जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ आ सॉरी करंट बाहर की तरफ आ रहा है राइट right? तो इसमें जो हमारा करंट जब बाहर की तरफ आता है स्टूडेंट्स तो अगर हम लोग राइट आ, राइट हैंड रूल लगा के देखेंगे जहां करंट बाहर की तरफ आएगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे बनेगी आप लोगों की एंटी क्लॉक वाइज यहाँ जो डायरेक्शन बन रही है आप लोगों की वो कैसी बन रही है एंटी क्लॉक वाइज तो इसमें पूरे में जो आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड की बिकॉज सारा का सारा करंट यहाँ हर पॉइंट में से बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर जो हर एक पॉइंट में से हर एक वायर में से जो करंट निकल रहा है वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा एंटी क्लॉक अब हम देखते हैं बी पॉइंट को यानी कि यहाँ यहाँ देखिए यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है वो है इनवर्ड तो इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अगर हम वापस से राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी क्लॉकवाइज वाइज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज़ क्लॉकवाइज तो यहाँ हर पॉइंट में जो भी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या होगी क्लॉकवाइज अब यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम हम लोग इन सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को समअप करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट पे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी ये ये सारी समअप होकर हम लोगों को जो डायरेक्शन मिल रही है वो किस तरीके से मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से राइट right? ये डायरेक्शन आ गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज सिमिलरली नीचे वाले पॉइंट पर देखिए जहाँ पे बी पॉइंट है यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने सम अप कर दी सबकी वैक्टर्स हम ले लिया तो यहां पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो कैसे मिल रही है क्लॉकवाइज राइट right? तो अगर हम लोग ऊपर वाले पॉइंट को देखें तो वहां पर तो हमारी जो टोटल समडअप मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन है एंटी क्लॉक वाइज यहां नीचे जो हमारी डायरेक्शन है एक्सटीरियर पॉइंट पर वो क्लॉकवाइज है दोनों डायरेक्शन जो है अपोजिट हैं तो अगर मैं एक पॉइंट मानू क्यों अपर पॉइंट मानू क्यों तो इस पॉइंट पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी नल और नेग्लिजिबल वाई वाई बिकॉज हमारी जो एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज फील्ड जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है सिमिलरली क्यू डैश पॉइंट पर ये भी एक्सटीरियर पॉइंट है हमारा यहाँ पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी नल क्यों क्योंकि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में एक दूसरे को एक्सटीरियर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है नलीफाई कर रही है ठीक है एक डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट की इंटीरियर पॉइंट यानी ए से बी के बीच में अब इस इंटीरियर पॉइंट में आप लोग देखिए जो करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है सेम डायरेक्शन में है ये देखिए यहां से यहाँ तक करंट की डायरेक्शन क्या है सेम तो यहाँ अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स तो राइट हैंड थंब रूल जब हम लोग लगाएंगे तो हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं अगर करंट की डायरेक्शन हम लोगों ने मानी फिंगर्स से हम लोग मानते हैं ये करंट की डायरेक्शन हम लोग फिंगर से नीचे लाते हुए कर्ल करते हुए ठीक है तो हमारा थम जो जाएगा वो इस डायरेक्शन में शो करेगा कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को तो वही हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आएगी लेफ्ट साइड से राइट right की साइड राइट साइड की तरफ बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी तो इसीलिए इंटीरियर पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी समड अप ओके इसको हम लोग इस तरीके से सेकंड पिक्चराइजेशन में भी देखें जो हमारी क्यू पॉइंट पे और क्यू डैश पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी नल जीरो ठीक है बट हमारी पी इंटीरियर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी समड अप हो जाएगी तो इस तरीके से हम लोग सोलिनॉइड को सोलिनॉइड को कह सकते हैं कि सोलिनॉयड हमारा किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है आप खुद को एज अ बार मैग्नेट और उसका एक पॉइंट जो होता है एक एंड हम लोग साउथ मान लेते हैं और दूसरा एंड हम लोग नॉर्थ मान लेते हैं ठीक है वाई क्योंकि हम लोगों को पता है बार मैग्नेट में जो इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड होती है इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ टू नॉर्थ जाती है और यहाँ पर भी एक एंड से दूसरे एंड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो जहां से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड वहां से साउथ तो जहाँ से जहां तक जा रही है वो नॉट तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेट करते हैं और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो बै है वो एक बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके okay? तो यहाँ से हो गया ये सोलिनॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज ओके okay? कि सोलिनॉयड में हम लोगों ने क्या सीखा कि जो फॉर सोलिनॉयड एक्सटीरियर फील्ड जो होती है कैंसिल आउट हो जाती है इंटीरियर फील्ड हमारी सम हो जाती है एंड वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन राइट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सोलिनॉयड हमारा किसके इक्वल हो गया और ऑलमोस्ट इक्वल इक्विवेलेंट होता है बार मैग्नेट के ओके नाउ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉयड अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनोइड के अंदर लेट अस कंसिडर मैंने इसी पिक्चराइजेशन को स्टूडेंट्स इसी पिक्चराइजेशन को इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ बनाया है मैंने बस वायर्स हटा दिए यहाँ से क्या किया हुआ है कि मैंने बस ये वायर्स हटा दिए यहाँ से ये जो वायर्स हैं आप लोगों को ये कंसिडर करनी है इमेजिनरी ओके okay? ये कंसिडर करनी है तो बस मैंने ये दिखाया जहाँ जहां पे आप लोगों का डॉट है यानी कि वहां से आप लोगों की मैग्नेट करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है आउटवर्ड आ रहा है और वी हैव क्रॉस वहां पर जो करंट है वो इनवर्ट जा रहा है ठीक है अब वी नीड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ़ दिस सोलिनॉइड तो हम लोग यूज़ करेंगे एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में हम लोगों को लगाने के लिए वी नीड टू टेक एन एम्पीरियन लूप राइट तो एम्पीरियन लूप मैंने कंसिडर कर लिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग कैसा भी लूप बना सकते हैं रेक्टेंगुलर भी हो सकता है वो सर्कुलर भी हो सकता है यहाँ पर मैंने जो लूप लिया है इट्स अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी लाइक ये एम्पीरियन लूप है आप लोगों का एम्पीरियन लूप ए बी सी डी राइट right? अब हम इसके अक इसके अक्रॉस देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों को क्या करना है वापस एमपी सर्क्यूटर लॉ लगाया मैंने अब इक्वल्स टू बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टी आई टीम क्या है स्टूडेंट्स टोटल करंट अभी हम लोग पता करेंगे कि टोटल करंट क्या होता है अभी फिलहाल हम लोग बी डॉट डीएल यानी कि ये वाली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल लेना है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा बी डॉट डीएल है ये चार पार्ट्स में सब डिवाइड होगा कैसे ए टू बी तक ए बी ए टू बी तक लेंथ जाएगी बी टू सी तक लेंथ जा रही है सी टू डी तक लेंथ जा रही है फिर डी टू ए तक जो हमारा लूप है वो क्लोज लूप हो है तो उसको मतलब जहाँ तक एंड पॉइंट तक हम लोगों को लेके जाना है तो ए से बी लिया फिर हमें बी टू सी लेना है फिर हमें सी टू डी लेना है फिर डी टू ए लेना है ताकि वो ये पूरा क्लोज हो सके इस पूरे लूप को क्लोज करके हम देखेंगे कि इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो रही है तो सबसे पहले लेट अस टेक अ केस ऑफ d टू a d टू a. a वाला केस लेना है d टू a वाली साइड लेनी है एंड b टू c वाली साइड लेनी है राइट पहले ये केस लेते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स d टू a और b टू c का अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल देखेंगे तो वो दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं क्यों क्योंकि B डॉट डीएल मैग्नेटिक फील्ड B और उनका जो लेंथ एलिमेंट है डी एल ये D टू एंड B टू C दोनों के बीच में जो मतलब डीएल ये आप लोगों लो की लेंथ है D टू A राइट right, ये लेंथ हो गई और B टू C आप लोगों की ये लेंथ हो गई तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो आप लोगों का कितना बन रहा है 90 डिग्री और कॉस्ट 90 हम लोगों को पता है तो यहां से ये दोनों क्या कैंसिल आउट कौन कौन से डी टू ए वाला कैंसिल आउट हो गया और बी टू सी वाला कैंसिल आउट हो गया उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट देखना है सी टू डी यानी ये वाला ये वाली रे सी टू डी वाला सी टू डी देखिए हमें पता है कि जो सोलिनॉयड है सोलिनॉयड के एक्सटीरियर पॉइंट पर है आ रहा है ये पॉइंट राइट सोलिनॉइड के एक्सटीरियर पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है जीरो तो यहां देखिए जो सी टू डी वाला बी डॉट डी एल है लाइन इंटीग्रल है एक्सटीरियर पॉइंट पे हमें पता है नल होती है तो इसलिए हम लोगों ने नाइन इंटीग्रल एट डी एक्सटीरियर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या मान लिया जीरो खुद से ही. अब हमारे पास जो सिर्फ चीज बची है वो क्या बची है ए टू बी वाला कॉम्पोनेंट बचा है ए टू बी वाला लाइन एलिमेंट बचा है इसके लिए हम लोग क्या लगा लेंगे अपना बी डॉट डी एल लाइन एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स यहां देखिए जो डायरेक्शन है बी की जो डायरेक्शन है और जो लेंथ की डायरेक्शन है वो दोनों के दोनों क्या है दे आर इन सेम डायरेक्शन सो द एंगल बिटवीन बी बी एल इज जीरो डिग्री सो यहां पे आप लोगों को पता है कॉज जीरो डिग्री इज इक्वल्स टू वन सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बी के लिए डीएल के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मान लीजिए अगर मेरे ए से बी तक की जो लेंथ थी वो एल थी देन हमें जो लाइन इंटीग्रल का सॉल्यूशन है वो क्या मिल जाएगा बी एल ठीक है नाउ नीड टू सॉल्व द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आई टी करंट आई टी आई टी यानी कि टोटल करंट टोटल करंट क्या होता है सो so, सबसे पहले अगर हम माने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कि पर यूनिट लेंथ में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ आ रहे हैं? N आ रहे हैं हैं से तो अगर टोटल लेंथ उसकी L है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे एन एन टू एन राइट तो टोटल करंट कितना बनेगा अगर एक लेंथ में से करंट आए जा रहा है तो एन एल लेंथ में से करंट कितना जाएगा स्टूडेंट एन एल आए राइट तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बी डॉट डी एल इक्व टू म्यूनोट आए ये जो हमारी इक्वेशन थी मीनोट आई थी बी डॉट डीएल का हमारे पास जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही है बी एल यहाँ से इक्वल्स टू तो म्यू नॉट एन एल आई आई टी की वैल्यू रख देंगे एन एल आई एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोगों को जो सोलिनॉयड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई सो स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू सो मच